गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। टुडे वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ क्लोथ्स वी वियर। ओके, फर्स्ट वी विल डू व्हाट इज दैट, आंसर इन वन वर्ड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड। ओके चिल्ड्रन, तो ये चैप्टर किस बारे में, हमारे क्लोथ्स के बारे में, कि हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ्स। डू यू नो द आंसर? आंसर राइट समर। इन समर सीजन, यू कैन राइट ओनली समर और सीजन ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, समर सीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज हू वीव्स क्लोथ्स, क्वेश्चन नंबर टू, हू वीव्स क्लोथ्स क्लोथ्स ऑन अ लूम। लूम पर कपड़े कौन बुनता है, कौन बनाता है। ठीक है, डू यू नो द आंसर? आंसर इज वीवर। आपको ओनली वन वर्ड में आंसर देना है, यू नो नीड टू राइट सेंटेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, हु सेल्स डिफरेंट टाइप्स different types of clothes different types of kapde clothes who sells mean bechta hai. Do you know answer? Shopkeeper. Jab aap shopkeeper jate hain, aap clothes ki dukan par jate hain, to you get from the clothes from whom? You get from shopkeeper, right? Now question number four, who stitches our clothes? Who stitches our clothes? Do you know, children? Who stitches our clothes? Good, tailor. Tailor stitches our clothes. Okay? So, यहाँ तक आपके आंसर हो गए। After that, the next question, question number five. Question number five, I am writing, who rears the shop? Who rears mean palna ya rakhta hai. Who rears the sheep for wool? Ji, wool lene ke liye, wool prapt karne ke liye, wool hume kahan se milti hai? Sheep se milti hai. To sheep ko kon rakhta hai? मेरे पास वो आंसर नहीं, आप उसके नीचे जगह रखिए, मैं आंसर इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ, आप इसके नीचे लिखेंगे, साइड में नहीं लिखेंगे, राइट? शेपर्ड, शेपर्ड रियर द शीप। ओके, यू विल राइट दिस आंसर बिलो दिस क्वेश्चन। अगर सुनते हैं नेक्स्ट, नाउ we will do the some question answer.
ओके। नाउ द सेकंड पार्ट, आंसर द क्वेश्चन। आपकी बुक में बहुत सारे हैं बट मैं कुछ थोड़े से क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, बुक से भी आपको करना है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नॉट ऑल, राइट। क्वेश्चन नंबर वन, नेम द पीपल who wear special clothes. ये special clothes को हम क्या बोलते हैं, what do we call special clothes, that is uniform. जो special clothes होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, uniform, at their workplace. Special clothes are, after that we write here, at their workplace. कि जब काम पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या ड्यूटी पर जाते हैं, तो वो कौन से लोग हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, मीन्स स्पेशल क्लोथ पहनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद लिखेंगे, जैसे अब आपके पापा एयरफोर्स मैन, ठीक है, तो पापा आपके यूनिफॉर्म में जाते हैं, स्पेशल क्लोथ में जाते हैं, या आपके पापा डॉक्टर हैं या मम्मी डॉक्टर हैं, तो वो कैसे जाते हैं, दे वियर यूनिफॉर्म, ओके। अगर आपके पेरेंट्स फादर पुलिस में हैं तो कौन से क्या कौन से कपड़े डालेंगे, दे वियर पुलिस यूनिफॉर्म। इफ दे आर इन फायर ब्रिगेड दे विल वियर फायर ब्रिगेड यूनिफॉर्म, ओके। तो दिस आंसर यू विल राइट, आप फाइव पीपल्स के नेम लिखेंगे, एनी फाइव पीपल नेम दोज हु वियर यूनिफॉर्म यू विल राइट हियर, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी वियर क्लोथ, इसका आंसर भी आप खुद लिखेंगे, व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स। हम जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि हम हाउस में क्यों रहते हैं, तो ऐसे ही हमें क्लोथ्स की क्यों जरूरत है, क्यों पहनने की जरूरत है हमें, तो यू विल राइट दिस आंसर योरसेल्फ, ओके चिल्ड्रन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस आंसर यू राइट एंड सेंड, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।